जो बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, मदरसों में गैर मुस्लिमों को अब शिक्षा देने पर कार्रवाई होगी। प्रभारी मंत्रियों को एक दिन जिले में रुकना अब जरूरी है। रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याओं को जाने। मध्य प्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष संशोधन विधेयक को अब मंजूरी भी मिल चुकी है। 3 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 पार्षदों का होना जरूरी होगा। पूरे प्रदेश में अब साइबर तहसील योजना लागू होगी। पहले 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू थी योजना। ग्वालियर में अब ईओडब्ल्यू कार्यालय का गठन किया जाएगा। एसपी स्तर के अधिकारी भी तैनात होंगे। मध्य प्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। 3 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव के लिए अब 3/4 पार्षदों का होना जरूरी है। तो ये मुख्य बातें थी जहां मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। अब मदरसों में गैर मुस्लिमों को शिक्षा देने पर कार्रवाई होगी। तो प्रभारी मंत्रियों को एक दिन जिले का दौरा करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी की तरफ से और मोहन सरकार की तरफ से प्रभारी नियुक्त किए गए थे, तमाम जिलों के प्रभारी बनाए गए थे। और अब मोहन कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी प्रभारी जिले के होंगे उन तमाम प्रभारियों को जिले में एक दिन बिताना जरूरी होगा। और इसी के साथ साथ पूरी खैरो खबर रखना भी जिले की जरूरी होगा। ये बड़ी खबर, मोहन कैबिनेट में बड़े फैसलों पर मोहर लग चुकी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसों में गैर मुस्लिमों को शिक्षा देने पर भी कार्रवाई होगी। और प्रभारी मंत्रियों को एक दिन अब अपने प्रभार जिले में रुकना जरूरी होगा। रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याएं भी जाननी होंगी। तो यह बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को दी गई है। कुछ दिनों पहले तमाम मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं और आज फिर से मोहन कैबिनेट में बड़े फैसलों पर मुहर लगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मंत्रालय से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सूरज जी, एक बड़ी बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में कई सारी बातों पर मोहर लग चुकी है। जैसे मदरसों में अगर गैर मुस्लिमों को शिक्षा दी गई तो कार्रवाई होगी, प्रभारी जिलों का एक दिन में जिला रुकना बहुत ज्यादा जरूरी, ऐसी तमाम बातें रही जिस पर मोहर लग चुकी। और क्या खास रहा इस बैठक में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और कई अच्छे फैसलों पर भी मोहर लगी। खासतौर से की बात करें तो मिशन शक्ति परियोजना, जिसको लेकर करीब 1,332 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसमें 250 जो पदों को स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में अब साइबर तहसील खोली जाएंगी, जिसको लेकर पहले मध्यप्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों में इसको शुरू किया था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री अब हर महीने एक दिन प्रभार वाले जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां दिन में भी वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सरकार के कामों को देखेंगे। इसके साथ ही रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे, ताकि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, आम कार्यकर्ता हैं या आम जनता है, उनसे उनकी मुलाकात हो सके, कोई समस्या है तो उसका निपटारा किया जाए। तो कुल मिलाकर प्रभार वाले जिले में हर महीने एक दिन रहना है, इसको लेकर बातचीत की गई। इसके साथ ही लंबे समय से जो मदरसों में शिकायतें मिल रही थी, गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, करीब 1700 मदरसे ऐसे हैं जहां पर 9000 से ज्यादा गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और ऐसे मदरसों पर कार्रवाई भी की जाएगी, जो खासतौर से हिंदू बच्चों के नाम लिखकर बिना अभिभावकों के परमिशन के उनको एडमिशन देते हैं और सरकार से अनुदान लेते हैं। इसके साथ ही सिंगरौली के चितरंगी में एक माइक्रो इरीगेशन परियोजना को मंजूरी मिली है, जो करीब 12,000 करोड़ की है। इसमें करीब 42 गांव को खासतौर से पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो बिजली है वो भी वहां पर उनको मिलेगी। तो इस तरीके से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि नगर पालिका जो अधिनियम संशोधन है उसमें खासतौर से अब 3 साल की जो अवधि तय कर दी गई, पहले 2 साल की अवधि में अविश्वास प्रस्ताव लाया सकता था, लेकिन अब 3 साल बढ़ा दिया है। इसके साथ ही 2/4 जो पार्षदों की अनुमति जरूरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कई नगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां पर पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव जो अध्यक्ष के खिलाफ लेकर आए, ऐसे में कहीं ना कहीं खरीदी का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा, लेकिन अब कैबिनेट में फैसला पारित हो चुका है कि 3 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते और 2/4 पार्षदों की अनुमति जरूरी है। सूरज, इसके अलावा जो मदरसों में गैर मुस्लिमों को अगर शिक्षा दी जाती है तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस कार्रवाई को लेकर कुछ प्रावधान किया गया? देखिए, खासतौर से जो गैर मुस्लिम बच्चे यदि धार्मिक शिक्षा लेते पाए जाते हैं तो उन मदरसों की जो मान्यता है वो रद्द की जाएगी और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करने का सरकार बोर्ड बना रही है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जो गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं
उनको वहां से हटाया जाएगा और ऐसे जो मदरसे हैं उनका जो मान्यता है वो रद्द की जाएगी। हमने कुछ देर पहले देखा था कि शिवपुर जिले में इस प्रकार का मामला आया था कि करीब 86 बच्चों के नाम उस मदरसे में थे, लेकिन ना मदरसा चल रहा था ना ही कभी कोई बच्चा उसमें पढ़ाई करता था, लेकिन उसके बावजूद करोड़ों रुपए की अनुदान सरकार से मिलता था। तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी और जो संबंधित पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं उन पर भी सरकार सख्त कार्रवाई करने के मूड में है और ये कार्रवाई भी होगी, देखने को मिलेगी भी ये कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।